नमस्कार दोस्तों, ओम एस्ट्रो वास्तु चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दीपावली के शुभ त्यौहार के लिए सबने तैयारियां कर ली होंगी। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद की हर व्यक्ति को प्रतीक्षा रहती है। घर में धन लक्ष्मी रहे तो हर तरह की जो समस्याएं हैं उनका पूर्ण निवारण हो जाता है, और माता रानी के साथ अगर सौभाग्य की देवी के रूप में आपके घर में गणेश जी भी विराजमान हों तो सोने पे सुहागा होता है। आज मैं अपने मित्रों को राशि अनुसार इस दीपावली पर पूजा विधि बताने की चेष्टा कर रहा हूं, और उसी कड़ी में आज कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। अगर आपको राशि नहीं पता तो अपने बोलते नाम के अनुरूप राशि जानकर उसके अनुरूप आप पूजा अर्चना करें। माँ लक्ष्मी की सभी तरह के सौभाग्य आपको प्राप्त होंगे। कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। बुध देव होते हैं कन्या राशि के स्वामी, और इसका अंग्रेजी नाम होता है वर्गो। वर्गो के दोस्तों के लिए एक बात कहते हैं कि आपको महालक्ष्मी के त्रिपुर भैरवी स्वरूप की पूजा अर्चना भी इस दीपावली को करनी। बुध देव हैं इसलिए त्रिपुर भैरवी की पूजा महालक्ष्मी की आराधना के साथ करें। गुलाब जल और केवड़े के जल के साथ इनको अर्पित करें। दीपावली के दिन कन्या राशि वालों को पूजा के समय श्री यंत्र की स्थापना करनी है। श्री यंत्र ले आइए घर में, उसकी पूजा अर्चना करें, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, और बड़ा अगर श्री यंत्र है तो उसके घर के पूर्वी कोने या उत्तरी दीवार पर लगा दें, और इसको घर से निकलते समय इसका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलेगा। घर में कभी भी सुख शांति और कलह नहीं होगी, हमेशा सौभाग्य का वातावरण रहेगा। एक काम और करिए, दिवाली की रात में चांदी की ढक्कन वाली एक डिबिया ले आएं छोटी सी, उसमें शहद भर लें और उसको अपनी तिजोरी में रख लें, कवर कर लीजिएगा प्लास्टिक के साथ, से और कोई नुकसान ना हो। और इससे क्या होगा कि आपके घर के अंदर जो हमेशा का तिजोरी में जो धन दौलत है वो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। अगली दीपावली पे इसको फिर बदल के इसी तरह से दोबारा इसमें शहद भरा जाएगा। ये करते रहें। एक काम और करें, दीपावली के दिन चंद्र यंत्र और शुक्र यंत्र की स्थापना करनी है आपने। इन दोनों का आशीर्वाद भी आपकी राशि वालों को चाहिए। चंद्र यंत्र बना लें, खरीद लें, और शुक्र यंत्र, इन यंत्रों को अभिमंत्रित कर लें, पूजा अर्चना करें माता रानी की, लक्ष्मी की आरती के साथ, पूजा अर्चना के साथ मिष्ठान चढ़ाकर ये जब अभिमंत्रित हो जाएं, गाय के घी का दीपक जरूर जला होना चाहिए, तो इसको अपने पूजा स्थल में रख लें, तिजोरी में रख लें, या जहां भी आप धन रखते हैं वहां रख लें। इससे क्या होगा, आपको हर समय माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके लिए एक और चीज है, श्री यंत्र की स्थापना जो आप कर रहे हैं वो जरूर कीजिएगा। श्री यंत्र को आपने पूजनीय बनाना है। एक छोटा श्री यंत्र हमेशा आप पूजा स्थल में रख सकते हैं या अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। इससे आपको हर तरह के सौभाग्य मिलेंगे। इंटरव्यू वगैरह में भी कोई परेशानी वगैरह आती है अगर, वो हमेशा के लिए दूर होंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को इतना अच्छा पसंद करते हैं उसका धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे रोज आने वाले वीडियो आप देख पाएंगे। कोई कमेंट है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, कोई निवेदन है, कोई रिक्वेस्ट है मेरे व्हाट्सएप में डालिए, बट जेन्युइन होनी चाहिए, तो मैं उसका निःशुल्क निवारण करने की कोशिश करूँगा। माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर रहे, इसी अवधारणा के साथ धन्यवाद। नमो नारायण।